नमस्ते कृष्ण भाइयों, इस वीडियो में बात करेंगे धान का खेती बाड़ी में कौन कौन सा कीटों ज़्यादातर आते हैं, इसको कैसे नियंत्रित करना है। जब आप धान का खेती करते हैं धान का खेती बाड़ी में कौन सा कीटों के लिए कौन सा कीटनाशक उपयोग करना है, इसका डोसेज कितना फसलों में धान का फसलों में उपयोग करना है, इसके बारे में पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे कब करने धान का खेती बाड़ी में, इसके बारे में ए टू जेड बात करेंगे। धान का कीटों के बारे में कौन सा टाइम में कौन सा कीटों धान का खेती बाड़ी में ज़्यादातर दिखाई देता है। किशन भाई, धान का खेती बाड़ी में कीटों का बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो किसान वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। किशन भाई, आई बात करेंगे धान का खेती में कौन सा कीटों दिखाई देता है ज़्यादातर, इसके बारे में बात करें। जैसे तना चेदक, पत्ता चेदक, माहो, फल चेदक, गांधीबाग, लीफ हुपर, ग्रीन हुपर, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, जेसिड, माइट, धान का खेती बाड़ी में ज़्यादातर इंसेक्ट दिखाई देता है। इसके लिए आपको कौन सा कीटनाशक उपयोग करना है और डोसेज कितना उपयोग करना है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, जैसे तनाचेदक, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, पत्ताचेदक जो इंसेक्ट होता है धान का खेती बाड़ी में दिखाई देता है, इसके लिए आपको सिंजेंटा का कंपनी का जो पोलोजाप कीटनाशक है आप उपयोग करने बेहतरीन काम करता है कीटों को नियंत्रित करने के लिए। इसका डोसेज कितना फसलों में उपयोग करने अभी इसके बारे में बात करें। जैसे सिंजेंटा कंपनी का पोलोजाप जो कीटनाशक है उसका डोसेज लगभग 100 ml आप 50 से 60 liter पानियों में घोलकर अच्छे से स्प्रे करने बेहतरीन काम करता है। स्टेम बोरर, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, इसके अलावा जैसे पत्ता जो कीटों को नियंत्रित करने के लिए। और पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे लगभग आप 15 डेज के बाद आप दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं धान का खेती बारे में कीटों को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा जो धान का खेती बारे में कीटों दिखाई देते हैं इसके बारे में आई बात करें, जैसे फल चेतक, माहू, जैसी लीफ उपर जो इंसेक्ट होता है धान का खेती बारी में दिखाई देता है, इसके लिए आपको कौन सा कीटनाशक उपयोग करने अभी इसके बारे में बात करें। जैसे इसके लिए फल चेदक, माहू, गांधीबाग जो कीट होते हैं इसके लिए कोई भी कंपनी का क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% इसी कंपोजिशन वाला जो दवाई होता है आप उपयोग करने धान का खेती बारी में बेहतरीन काम करता है। फल चेदक, माहू, जैसिड, लीफ उपर, गांधीबाग जो कीट होता है इसको नियंत्रित करने के लिए बेहतरीन काम करते हैं धान का खेती बारी में क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो दवाई होता है। आप कोई भी कंपनी का उपयोग करते हैं, साई कंपनी का, इफको कंपनी का, सिंजेंटा कंपनी का, बायर्स कंपनी का, इसके अलावा जैसे हमला जो 505 उसका भी उपयोग कर सकता है। किसान उसका डोसेज कितना फसलों में उपयोग करना है अभी इसके बारे में बात करेंगे। जैसे क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% इसी जो दवाई होता है इसका डोसेज लगभग 100 ml आप 60 से 70 लीटर पानियों में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं बेहतरीन काम करते हैं कीटों को नियंत्रित करने के लिए। कृष्ण भाई, तीसरा जो कीटों धान का खेती में दिखाई देता है अब इसके बारे में बात करें। जैसे रात चूसने वाली कीटों धान का खेती में ज़्यादातर दिखाई देती है, इसके लिए जैसे एसीपीट, इमिडाक्लोरोपीट, एसिटामारपीट कोई भी कंपनी का दवाई आप उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। रात चूसने वाले कीटों की वजह से क्या होता है, जैसे पत्तों का मुड़ने वाली धान का जो पत्तों मुड़ने वाली बीमारी आ सकता है और आपको फसल अच्छा नहीं मिलेगा, आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए क्या करना है, रात चूसने वाले कीटों के लिए आप एसिटामारपीट, इमिडाक्लोरोपीट, एसीपीट जो दवाई होता है आप धान का खेती बारी में जरूर उपयोग करना। इसका डोसेज कितना उपयोग करना है अभी इसके बारे में बात करें। इसका डोसेज लगभग 20 ग्राम 30 से 40 लीटर पानियों में घोलकर अच्छे से स्प्रे करने रात चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए। और इसका दूसरा स्प्रे लगभग आप 15 डेज के बाद दूसरा स्प्रे कर सकते हैं धान का खेती बारी में रात चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए। किशन भाई, उम्मीद करता हूँ आप अच्छा से समझिएगा धान का खेती बारी में कौन कौन सा कीटों ज़्यादातर आता है और इसके लिए आपको कौन सा कीटनाशक वाला दवाई उपयोग करना है और इसका डोसेज कितना धान का खेती बारी में उपयोग करना है लगभग ए टू जेड बात किया था। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।